माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग फाइन। सो आज की वीडियो होने वाली है एक फुटवेयर हॉल। सो विंटर सीजन है और फुटवेयर हॉल में बूट्स ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। ऑल्सो वेडिंग सीजन चल रहा है, सो आई ऑल्सो गॉट सम रियली नाइस हील्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले गाइज, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब देन प्लीज डू, इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड इट रियली मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग मोर वीडियोस फॉर यू। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, the first thing that I got is boots, and the one that I got a little high boots because मुझे personally इस बार थोड़े से लंबे boots चाहिए थे। So the one that I got are these ones. This is how they look like. So इनका color जो है थोड़ा सा I think chocolatey brown type का color है। Side पे इस तरीके से इसमें दो buckles दिए हुए हैं। कपड़ा इनका suede है, velvet fabric है। So definitely अगर ये गंदे हो जाए तो आप इनके ऊपर wet cloth मार के इनको clean कर सकते हो। बहुत ही थोड़ी सी heel है इसके अंदर और ज्यादा heel नहीं है। So डेफिनेटली वेरी कंफर्टेबल टू वेयर। मैं इसको एक बार एक्चुअली पहन चुकी हूँ एंड पहनने के बाद गाइज मुझे काफी कंफर्टेबल लगा ये, बिकॉज मैंने काफी वॉक किया था इसको पहनने के बाद। ऑलमोस्ट 5,000-6,000 स्टेप्स मैंने वॉक किए थे बट इसने मेरे पैरों में दर्द नहीं किया। ऑल्सो इसमें मेरा साइज था 4 और पहनने के बाद ये लेग्स में एकदम टाइटली फिट हो जाता है। सो बहुत अच्छी फिटिंग आती है। सो डेफिनेटली इसके नीचे आपको स्किनी फिट लेगिंग्स ही पहननी पड़ेंगी तभी आपको इसकी बढ़िया फिटिंग आएगी। ऑल्सो साइड में इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए इन्होंने यहाँ पे जिप दी है। इस बूट्स का ब्रांड था ब्रूनो मेनेटी। मैंने पहले कभी इनके बूट्स नहीं लिए हैं बट ओवरऑल आई विल से आई एम सैटिस्फाइड विद देम बिकॉज अंदर से भी गाइज ये वॉर्म है। अंदर इसके फर तो नहीं लगा है बट कुछ थिक सा मटेरियल है। सो डेफिनेटली इट कीप्स माई लेग्स एंड कीप्स माई फीट वॉर्म, जो कि मेरे लिए एक मेन प्रायोरिटी होती है इन विंटर्स, बिकॉज पर्सनली मेरे पैर और मेरे हाथ इतने ठंडे रहते हैं विंटर्स में। सो आई ऑलवेज लुक फॉर शूज एंड बूट्स जो कि मेरे पैरों को वार्म रखे। सो डेफिनेटली दे डिड कीप माय फीट वार्म। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइस, इनका प्राइस था व्हेन आई गॉट देम वाज 1500 रुपीस बट अमेज़न पे डेफिनेटली प्राइसेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। तो इन वाले बूट्स में इस स्टाइल में एक्चुअली और भी कलर्स हैं। आई थिंक एक लाइट ब्राउन भी कलर था इसमें बट आई ऑप्टेड फॉर दिस लिटिल डार्कर ब्राउन। ऑल्सो मेरा यूजुअल फुटवेयर में साइज होता है 3 बट शूज में और बूट्स में इट इज 4 बिकॉज हम लोग डेफिनेटली शूज और बूट्स विद सॉक्स पहनते हैं तो थोड़े से आपका पैर बड़ा हो जाता है उसकी वजह से। और ऑल्सो आई लाइक टू वेयर कंफर्टेबल शूज एंड बूट्स, आगे से जो लगता है वो मुझे पसंद नहीं है। सो इसमें मेरा साइज था 4 एंड इट फिट्स मी जस्ट परफेक्टली। जो नेक्स्ट चीज मैंने ली इज अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी क्वर्की पेयर ऑफ फुटवेयर। सो आई गॉट अ हील एंड दिस इज हाउ द हील लुक्स लाइक। क्यूट सा और बहुत ही डिफरेंट सा इसके ऊपर प्रिंट है। मैंने एक्चुअली पहले ऐसी कोई प्रिंटेड हील नहीं देखी थी तो जब मैंने उसको अमेजोन पे देखा आई इंस्टेंटली गॉट अट्रैक्टेड बिकॉज आई थिंक अब किसी भी आउटफिट के साथ इसको पहनोगे इट विल डेफिनेटली मेक दैट आउटफिट मोर फन एंड मोर क्वर्की। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो इसमें आपको मिल जाती है ब्लॉक हील एंड आई थिंक दिस हील इज ऑलमोस्ट 3 inches। सो इसका ब्रांड है WFS एंड दिस इज हाउ द प्रिंट लुक्स लाइक। सो इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे मल्टी कलर से इंसेक्ट्स बने हुए हैं। ऐसे ही और भी प्रिंट्स थे बट आई गॉट दिस वन बिकॉज मुझे इसका ब्लैक बेस और ऊपर मल्टी कलर प्रिंट काफी अच्छा लगा। सो ओवरऑल इसका प्राइस काफी अफोर्डेबल था। दिस वॉज फॉर 599 रुपीज एंड आई थिंक 599 फॉर अ गुड पेयर ऑफ हील्स इज प्रिटी डिसेंट। सो इसमें मेरा साइज है 3। यस, मेरा पैर बहुत छोटा है, सबसे छोटा ही साइज मुझे यूजुअली आता है सारे फुटवेयर में। बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है ऑनलाइन फुटवेयर खरीदने में, इनिशियली मुझे भी होती थी। आप इंचेस में एक बार अपने पैर को नाप लो तो हर ऑलमोस्ट हर फुटवेयर के साथ उसका साइज चार्ट दिया होता है। तो इंचेस में जितना भी आपका पैर है उसके अकॉर्डिंग आप मैच करके अपना शू साइज डिसाइड इजिली कर सकते हो। आई गॉट अ हील फ्रॉम कैटवॉक एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम द इंटायर हॉल। ही न्यूट्रल सा एक बेज कलर का बेस है इसके ऊपर और एक क्यूट सी यहाँ पे बो बनी हुई है, गोल्डन से इन्होंने हाइलाइटिंग करी हुई है इसमें। सो ये ऐसा फुटवेयर है जिसको आप वेस्टर्न के साथ भी पहन सकते हो, इंडियन के साथ भी पहन सकते हो, वेडिंग्स में भी पहन सकते हो बिकॉज बहुत ही न्यूट्रल कलर है, गोल्ड से हाइलाइटिंग है, इट विल डेफिनेटली लुक रियली रियली नाइस। इसमें आपको यहाँ मिलती है वेज हील और बहुत ही ना लाइट वेट गाइज ये फुटवेयर है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है उठाने में। एंड यहाँ पे इसका बहुत ही अच्छा सा सोल है, एकदम एकदम सॉफ्ट सोल है। कैटवॉक के फुटवेयर आर डेफिनेटली वन ऑफ
माई मोस्ट फेवरेट फुटवेयर। अगर आप ऑन सेल कैटवॉक का फुटवेयर लोगे तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगा। एंड आई थिंक मैंने बहुत बार स्टोर में जाके कैटवॉक का फुटवेयर देखा है और वहां पे बहुत ही कम ऑफ होता है, 10% 20%, बट ऑनलाइन तो गाइस 50% 60% 70% 80% मिल जाता है। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे आपको ब्रांडेड फुटवेयर मिल जाते हैं। सो मैं डेफिनेटली फुटवेयर अब खरीदना ऑनलाइन ही प्रेफर करती हूँ। सुपर कंफर्टेबल लगी मुझे ये, इसको पहन के मैं डेफिनेटली भाग भी सकती हूँ। इसका हील, इसका सोल, सब कुछ बहुत कंफर्टेबल है। सो आई रियली रियली लाइक दिस पेयर ऑफ फुटवेयर एंड आई गॉट दिस वन फॉर 1000 रुपीज। मुझे 1000 रुपीज इसके बिल्कुल वर्थ इट लगते हैं बिकॉज आई कैन डेफिनेटली सी कि मैं इसको बहुत ज्यादा पहनने वाली हूँ। सो जो नेक्स्ट फुटवेयर मैंने लिया इज फ्रॉम द ब्रांड डू मार्च है आई डोंट नो हाउ इट इज प्रोनाउंस। सो आई गॉट अ प्योर गोल्डन हील्स एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई थिंक ये 3 इंच से ज्यादा ही हील है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आगे से इस तरीके से गोल्डन से इन्होंने डिटेलिंग करी है। यहाँ से दिस होल्ड्स योर लेग, तो अगर आपने कोई ड्रेस पहनी है इट विल लुक रियली रियली नाइस विद अ नाइस ड्रेस। बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। ओवरऑल इसकी फिनिशिंग वगैरह मुझे काफी अच्छी लगी, चीप टाइप की नहीं लगी। सोल वगैरह भी इसका काफी अच्छा है। साइज इसमें मेरा है 36, सो दैट इज द स्मॉलेस्ट साइज, आई थिंक 3 उसमें साइज है। बट मुझे ना ये स्लाइडली सी लूज लग रही है और 36 ही सबसे छोटा साइज था, आई थिंक उससे कोई छोटा साइज नहीं है। आगे से तो डेफिनेटली मुझे ये फिट आ रही है बट पीछे से ना मुझे थोड़ी सी लूज लग रही है, स्पेशली बिकॉज इसमें ये भी है। सो इसका डेफिनेटली एकदम फिट होना बहुत जरूरी है। सो अगर आपके पैर थोड़े से हैवी है तो आपको डेफिनेटली ये आ जाएगा, बट मेरा स्लाइडली पतला पैर और छोटा है सो मुझे थोड़ी सी ये लूज आ रही है। बट ओवरऑल इसका लुक, इसका स्टाइल काफी अच्छा लगा मुझे। ऑल्सो इसका प्राइस काफी अफोर्डेबल था, दिस वॉज ओनली फॉर आई थिंक 549 रुपीज। सो गाइस जो नेक्स्ट फुटवेयर मैंने लिया वो एक्चुअली मेरी मम्मी के लिए है। सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड कैटवॉक और ये वाला उनका वन ऑफ द फेवरेट हील्स बन चुका है बिकॉज कैटवॉक की हील्स बहुत ही लाइट वेट, ड्यूरेबल होती है, बहुत ही कंफर्टेबल होती है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो यहाँ पे ना ग्लिटर स्ट्रैप है और यहाँ पे गोल्डन बेस है और नीचे वेज हील है एंड दिस इज हाउ द ग्लिटर लुक्स लाइक। सो इसमें पिंक, सिल्वर, गोल्डन का फ्लेक्स है। ये आई थिंक ऐसी पेयर ऑफ हील्स है जो बहुत सारी चीजों के साथ जाएगी। ऑल्सो इसकी जो हील है ना वो बहुत कंफर्टेबल वेज हील है। सो द हील इज ऑल्सो लाइक सुपर सुपर कंफर्टेबल। इसका भी प्राइस था ऑलमोस्ट 1000 रुपीज। तो कैटवॉक की हील्स आपको आराम से 1000 रुपीज में काफी अच्छी मिल जाएगी और बहुत बहुत लंबे टाइम तक चलती है। मेरे पास एक कैटवॉक की हील्स है गाइज जो ऑलमोस्ट आई थिंक 3-4 साल पुरानी है बट मैं अभी भी उसको पहनती हूँ बिकॉज इट इज वन ऑफ माई फेवरेट, बिकॉज वो सबसे ज्यादा कम्फर्ट देती है मुझे, बहुत ही अच्छी ग्रिप है उसकी और बिकॉज मेरा पैर बहुत छोटा है तो यूजली बहुत सारे फुटवेयर साइजेस में मुझे अपना परफेक्ट साइज नहीं मिलता है, परफेक्ट फिटिंग नहीं मिलती है, बट कैटवॉक में मिल जाती है। सो गाइस दिस वाज ऑल द फुटवेयर दैट आई गॉट एंड इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। सो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑल्सो अगर आपके कुछ क्वेश्चन है या कुछ डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं या फिर आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो आप और कौन से हॉल्स देखना चाहते हैं या फिर और किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं डेफिनेटली ऑल्सो डू रेकमेंड to me in the comment section. Also, don't forget to hit the bell notification so that every time I post a video, you get notified. Thanks for watching. Bye-bye.